ऐसी है कि अमरावती के जिले के आगे वो जगह में वो बहुत सारा सोशल काम कर रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा कार्य है, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, तो उनका पूरा मुझे वो निवेदन जो है वो पीछे दिया हुआ है। मेरे फेसबुक में अगर आप देखेंगे तो उनका फ्रंट पेज पे पूरा मैंने आपको जोड़ा हुआ है। लहानपणासाठी फार चांगलं काम करतात, अनाथ आणि अंध हो ॲक्च्युली लांब आहेत ते, अचल पूजा तिकडे विदर्भात आहे, त्यांची अट होती ती आम्ही पुरी केली की जोपर्यंत ट्रस्टी आमचं काम बघत नाही तोपर्यंत मी अवॉर्ड घेणार नाही, हे त्यांचं दुसरं वर्ष आहे, एक वर्षाने घेतलं नाही अवॉर्ड, ते आम्ही तिकडे गेलो प्रत्यक्ष त्यांचं काम बघितलं, ते प्रचंड काम केलं आहे, ते कोणी खरंच करू शकत नाही। हे अवॉर्ड ॲक्च्युली यांना, सो देर इज अ लॉट ऑफ प्री प्लॅनिंग, अ लॉट ऑफ प्री रिसर्च अँड एव्हरीथिंग दॅट ॲक्च्युली गोज इन टू इट। सो लाईक दिस पर्सन हू इज गेटिंग इट फॉर द सोशल सर्व्हिस, दोन वर्ष आधी त्यांनी ऑलरेडी वी हॅड स्पोकन टू हिम, हॅड ॲक्सेप्टेड अँड एव्हरीथिंग, तर तसं होतं कधी कधी आपण यु नो आपण जे लेटेस्ट असं काही असतं मग त्यांना आपण नेक्स्ट इयर देतो, तसं प्रचंड काम केलं आणि आपण जरूर जाऊन कधी बघा। रोज एक नया अवॉर्ड लॉन्च हो रहा है, हमारा अवॉर्ड तो बहुत सालों का है, कितने साल हो गए? 27 years. This is the 27th year. Award. पुण्यतिथि 74 से हमारे पिताजी की पुण्यतिथि होती है, 74th year. और उसके बाद अवार्ड देना शुरू हुआ, तो मेरा ख्याल है कि जैसे फिल्म फेयर था पहले, बहुत मतलब माना हुआ था, जैसे बाहर ऑस्कर है, पर आजकल क्या हो गया है कि हर कोई अवार्ड दे रहा है, हर मतलब मैं भी थोड़ी दिन पढ़ रही थी, बहुत से अवार्ड आ रहे हैं। अब अवार्ड होते हैं किस लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन डांस वगैरह होते हैं सब आर्टिस्टों के, और पब्लिक के लिए देखने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं, और शायद पैसा मिलता होगा कुछ होगा, तो अवार्ड इतने अवार्ड ज़्यादा हो गए कि समझ ही नहीं आती मुझे कि किसको क्या अवार्ड मिला और किस लिए मिला, क्यों क्या है पता नहीं। मैम, आप चाहेंगे कि भविष्य में लता जी के नाम से अवार्ड हो या आपके नाम से अवार्ड हो? दीदी के नाम से अवार्ड है, मेरे नाम से अवार्ड है, मतलब आगे और मतलब उनको वही रिस्पेक्ट मिले जो फिल्म में तो दिया है, जो आर्टिस्ट को दिया है। दीदी के नाम का तो ऐसा होना चाहिए, मैं अपनी बात करूँ, दीदी के नाम से तो ऐसा बड़ा अवार्ड होना चाहिए। मुझे तो कभी किसी ने किया नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में जाती भी नहीं हूँ। दूसरी बात, दीदी का अवार्ड ऐसा हुआ नहीं, अगर होगा ऐसा कोई बोलेगा तो हम लोग खड़े हैं, क्योंकि मैं बाकी के जो अवार्ड जैसे क्या बोलते हैं, रोज़ एक नया अवार्ड आ रहा है किसी किसी नाम से, और वहाँ सब आप लोग पहुँचते भी हैं, देखते भी हैं कैसे कैसे होता है, तो मेरा ख्याल है वो इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जैसे फॉरेन में जैसा ऑस्कर होता है तो हम लोग बैठते हैं प्यासे की तरह कि क्या हो रहा है। एक ऐसा अवार्ड होना चाहिए जो वाकई पक्का हो, सच्चा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चलो ये अपना इसको उसने वाके मिला तो उसको दे दो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ऐसे दीदी
प्रेस कॉन्फरन्समध्ये नाही आणि डॉक्टरांनी सांगितलं की पब्लिकला काही दिवस अवॉइड करा, म्हणजे पब्लिक स्पेसेसमध्ये इकडे खूप लोक असतील म्हणून. मला बघून तुम्हाला वाईट वाटलं का? पण एक गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो, आय वुड लाईक टू शेअर विथ एव्हरीबडी दॅट दिस इज अ व्हेरी स्पेशल, ऑफकोर्स इट इज ग्रँडफादर्स 74th इयर, नेक्स्ट इयर 75th, वी हॅव ऑलरेडी, बट दिस इज ऑल्सो व्हेरी स्पेशल बिकॉज दी फोर्थ जनरेशन ऑफ मास्टर दीनानाथ मंगेशकर इज परफॉर्मिंग ऑन दिस पुण्यतिथी. माय नीस आशांती इज ग्रँड डॉटर जाई जानाई भोसले इज गोइंग टू परफॉर्म ऑन दी 24th. She's performing a small little sweet little kathak item, so please give her your best wishes. She's a child and so it'll be great if you can. Very special chance. 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 Tera varsh ki thi. Haan ji. Zanai recently won the Jima Award for upcoming talent. Yes, she did. And there kai reaction ki Zanai la Jima Award milala for upcoming talent, to kai reaction tumcha kadna family ki taraf se koi reaction usko matlab naye star ko ubharne matlab aisa award mila hai, uska ek gana chala hai wo kare hil pori hila, hil pori hila wo kuch wo aapke क्या बोलते हैं उसको कंप्यूटर वगैरह में यूट्यूब, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आई थिंक इट्स लॉन्च्ड ऑन द नेट. बहुत उसको ये मिला है हिट्स लाइक मिली है, लाखों में मिली है, तो उसको शायद दिया हो. मैं गई भी नहीं थी लेकिन खुशी बहुत हुई कि 14 साल की उम्र में हमने स्ट्रगल कर रहे थे, अवार्ड का नाम भी नहीं सुना था और मेरे नाथ ने इस वक्त अवार्ड लिया, तो तकदीर है अपनी अपनी लेके आते हैं. तो मुझे ऐसा लगा कि अभी इन बच्चों को और सीखना चाहिए, सिखा रहे हैं, अच्छा डांस सीखती है, अच्छा गाना गाती है और देखिए क्या होता है आखिर, भगवान के हाथ में सब कुछ. यंगस्टर जितने भी हैं वो उसके पागल हैं, लड़के उनको किसी हीरोइन से कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि मेरे घर में 14 साल के ट्विंस हैं, लड़का लड़की, तो उनके स्कूल के बच्चे आते हैं और वो जो बातें होती हैं जो कुछ होता पता लगता है कि रणवीर उनका हीरो, एक रणवीर वो और एक दूसरा रणवीर कपूर, ऐसे कुछ है. ये कहने का मतलब कि अवार्ड देने के समय हम लोग ये नजरिया रखते हैं, बच्चे भी खुश हो जाए, बाप भी खुश हो जाए, दादी भी खुश हो जाए और उसको भी एक उत्साह मिलता है कि मेरे काम को सराहा गया. लता मंगेशकर जी ने इसको मान्य किया, इसका मतलब उसके लिए वैसे आप जो कह रहे थे काशी भाई को पूछा था, उन्होंने काम किया काशी भाई का कहना प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा जी को पूछा था और उनका शूटिंग है उस समय परदेश में. अशा एक फक्त म्हणजे थोडंसं अवॉर्डशी रिलेटेडच आहे, की बाजीराव मस्तानी प्रदर्शन होण्याआधी थोडंफार काशीबाई आणि मस्तानीचा एकत्र डान्स आणि रणवीर सिंगचा त्या गाण्यावरती डान्स ह्या गोष्टीवरून थोडा वाद विवाद झाला होता, कॉन्ट्रोवर्सी गोष्टी झाली होती, तर त्याच्याविषयी तुम्ही लिहून केली होती पण त्याच्याविषयी काही तुमचं आहे म्हणून. मी तुम्हाला सांगते, मी पिक्चर फार कमी बघते पण माझ्या सुनेनं मला जबरदस्ती जाऊन हे पिक्चर दाखवलं, तर मी तिला म्हणत होते नाही नाही मी बाजीराव मस्तानी बघणार नाही, कारण आम्ही इतिहास वाचलेला आहे. पण ज्यावेळेला पिक्चर सुरू झालं त्यावेळेला त्याची भव्यता दिव्यता जी होती ती इतकी सुंदर होती, प्रत्येक गोष्ट इतकी सुंदर होती की मी त्याच्यामध्ये रंगत गेले. आणि मूळ आम्ही पुण्यात राहिलेलो, ब्राह्मण मंडळी, नऊवारी पातळ हे सगळं आमची आई दिसायची नाकात नथ, आणि हे सगळं आमचा पेहराव, आणि मला ते सगळं त्या पिक्चरमध्ये स्पष्ट ते
ब्राह्मणी त्यावेळचं वातावरण ते मला बघायला मिळालं. जेवणाची स्टाईल म्हणा, येण्याची स्टाईल म्हणा, पाय धुवायचे, नमस्कार करायचा, ह्या आपल्या सगळ्या वस्तू बघता बघता मी त्यात इतके हे झाले की त्यानंतर बाजीराव जाळला आला. त्याला ज्यांना अटकेफार झेंडा लावला, इतका मोठा लढवय्या त्याचा इतिहास आहे, तो सुद्धा मी विसरून गेले. काही वेळानंतर त्याचा डान्स पण मी बघितला की बाजीराव डान्स करतात. तर मी माझ्या सुनेला बाण घालून सांगितलं मला नाही आवडत हे असलं काही. मला म्हणाली बघा पिक्चर आहे, पण तो डान्स पण त्याने असा केलेला आहे की तो आत्ताचा डान्स वाटत नाही, तो एक जंगली डान्स वाटतो. की त्यावेळची माणसं कशी असतील, ती काय आत्तासारखे कंबर हलवून नाचणारे नव्हते. तर ते त्यानं त्यात दाखवून दिला, तो स्वतः इतका चांगला डान्सर असताना. आणि त्यामुळं मग मी म्हटलं की हिरोईन मला पाहिजे होती, पातळ तिच्या गळ्यातला पानाचा रस गळत जातो आहे, पानाचा तो दिसावा इतकी नाजूक. पण तरी पण बाजीरावच्या पुढे सगळं फिकं वाटतं. बाजीरावने इतकं चांगलं काम केलं आणि इतकं सगळं वातावरण त्याचं आणि पिक्चरायझेशन वगैरे इतकं चांगलं सगळं होतं की मी बाहेर पडले त्याला म्हटलं मी आणखी एकदा बघू शकते. कारण ते आपलं असं वाटलं, मराठी प्रत्येक माणसाला असं वाटतं की हा माझा महाराष्ट्र आहे, आम्ही असे होतो असं.